हेलो, मैं गीता नेगी, गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल मैं आपको कुछ घरेलू खाद फर्टिलाइज़र बनाना बता रही हूँ, और वो जो मैं भी खुद यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊँ कि इन दिनों मैं कौन सी खाद डाल रही हूँ। और वो ठंडी खाद होती हैं, पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, क्योंकि अगर तुम इन दिनों केमिकल खाद डालोगे ना तो पौधों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाएगी, क्योंकि वो बहुत गर्म खाद होती हैं और पौधों की जड़ें एकदम से गर्म होकर जल जाएंगी और आपका पौधा चंद मिनटों में ही जल के एकदम मुरझा जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ केमिकल खाद मत डालिए, और ये घरेलू खाद जो कि फ्री की खाद होती है वो अपने पौधों में डालिए, जो कि पौधों के लिए बहुत ठंडक देती है और साथ साथ न्यूट्रिशन वाली होती है। इनमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम और पोटाशियम बहुत भरपूर होता है। वो खाद मैं आपको बताती हूँ, उसको चार तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आप बताती हूँ आपको कि वो कौन सी ऐसी खाद है जो आप घर में यूज़ कर सकते हो चार तरीक़ों से अपने प्लांट में, और ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता उस खाद को बनाने के लिए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खाद के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिसको आप तीन चार तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वो एक खाद इस बनाना कठिन लग रहा है तो उसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हो। तो इसके चार उपयोग हैं, और उन चार उपयोगों को कैसे कैसे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इस खाद को। और ये खाद बहुत ही बेनिफिशियल होती है आपके प्लांट्स के लिए, खासकर फूलों वाले प्लांट्स के लिए। ये बहुत ताकत होती है इस खाद में, और ये घरेलू खाद है, फ्री की खाद है, और इसमें पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, वो सारे एलिमेंट होते हैं जो एक प्लांट को चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, फूल देने के लिए। तो वो खाद मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरह से यूज़ करना है, चार तरीक़ों से। और वो है वो हमारे घर में निकलने वाली प्याज के छिलके। ये प्याज के छिलके डेली के आप इकट्ठे करते रहिए, और इसके हम मैं चार चार तरीके से इसका यूज़ बताऊंगी, वो कैसे करना है मैं बताती हूँ। आप क्या करिए, सबसे पहले तो इसका आप लिक्विड खाद बना सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि ये मैंने बना के रखती हूँ। और इसको मैं अपने डेली जो पानी देना है ना उसके साथ डाइल्यूट करके दे देती हूँ। और ये देखिए, ये इसका पानी है, इसमें थोड़ा सा पानी और मिला के मैं पौधों में देती हूँ। एक पहला यूज़ तो इसका यही हो गया कि इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो। दूसरा है इसका यूज़, वो है आप प्लांट में इसकी मल्चिंग कर सकते हो। मल्चिंग मीन्स इस तरह से बिछा दीजिए प्लांट के अंदर, और इसको पूरी तरह से प्लांटर को ढक दीजिए। और उससे क्या होगा, इसके ऊपर जब भी पानी पड़ेगा तो वो पानी, इसका खाद वाला पानी, इससे डाइल्यूट होके नीचे जाएगा, पौधों को खाद देगा। दूसरा, इससे मल्चिंग से ये फ़ायदा होगा कि आपकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहेगी। तो ये दो फायदे करता है मल्चिंग वाला खाद। तीसरा पॉइंट है इसका, या आपको मल्चिंग भी नहीं करनी, लिक्विड खाद भी नहीं बनाना, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी ये लीफ लेके और मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी के अंदर इसके डाल दीजिए। ऐसे करके मिट्टी डाल के इसके ऊपर मिट्टी दबा दो, और इसके ऊपर जब भी आप पानी डालोगे तो ये पानी आपके, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके पौधों की जड़ों को मिलता रहेगा, और धीरे धीरे वो कंपोस्ट होकर पौधों की खाद भी बन जाएगी, पौधों के लिए एक अच्छी खाद भी बन जाएगी, पोटाशियम वाली, फास्फोरस वाली। और आपके पौधों को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा आपको कि लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं और फिर इसको डालें। इससे अच्छा है इसकी मिट्टी में भी आप इसको दबा सकते हैं। और लास्ट इसका यूज़ है कि आपके पास ये छिलके बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ऐसा करिए, इसको अच्छे से एक दिन धूप दे के इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, और इसका पाउडर बना के एक डब्बे में भर लीजिए। और उसके बाद जब भी आपको किसी पौधे में, फूल वाले पौधे में, या किसी भी तरह, हर प्लांट में इसकी खाद चलती है, ये मत एक तुलसी को छोड़ के, तो इसके एक चम्मच इसका पाउडर लेके अपनी मिट्टी, प्लांट की मिट्टी में डालिए, और देखिए आपके प्लांट कितने अच्छे ग्रो होंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। प्याज को ये छिलकों का फर्टिलाइज़र हम चार तरह से कैसे से यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड बना के, मल्चिंग करके, मिट्टी के अंदर इसकी खाद दबा के, और चौथा है इसका पाउडर बना के। तो आशा है आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी वीडियोज़ आप जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर। बाय।